ये वही वीर जवान शहीद जो हैं उनकी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पूरा देश जो है वो रो रहा है। आपको बता दें कि ये लगातार कायर आतंकवादी जो हैं हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। साफ तौर पर इनकी जो मंशा है वो पीठ के पीछे वार करने की है। आपको बता दें कि राजौरी के बाजीपुल में हुई मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए सेना के 2 कप्तान समेत 5 बलिदानों ने शुक्रवार को जम्मू के सैन्य अस्पताल में नम आंखों से जो है श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मुख्य सचिव डॉक्टर एके मेहता सहित थल सेना और वायु सेना के उच्च अधिकारियों ने बहादुर सैनिकों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन किया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे वीर जवान जो हैं बाकी हैं उनके मन में यही है कि जल्द से जल्द इन कायर आतंकवादियों को मार दिया जाए। हालांकि 2 आतंकवादी इसमें मारे भी गए हैं। आपको बता दूं यूपी के 2, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व कर्नाटका के एक एक जवान जो है उन्होंने बलिदान दिया है। राजौरी मुठभेड़ में बलिदान होने वाले 2 उत्तर प्रदेश के, एक उत्तराखंड का, एक जम्मू कश्मीर का व एक कर्नाटका का जवान है। इनमें 63 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन MV प्रंजाल जो कि मंगोल कर्नाटका के हैं, 9 पैरा के कैप्टन शुभम गुप्ता जो कि आगरा से हैं, 9 पैरा के हवलदार कमांडो अब्दुल माजिद अजोट पुंछ के रहने वाले हैं और लास्ट नायक संजय बिट्टल हल्ली पादली नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले हैं व पैरा ट्रूपर सचिन लौर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर में अपना बलिदान दिया है। कैप्टन MV प्रंजाल, कैप्टन शुभम गुप्ता, लास्ट नायक संजय बिट्टल व पैरा ट्रूप सचिन लौर के पार्थिव शरीर को जम्मू में अंतिम सलामी दी जा रही है। यहां से बलिदानियों के पार्थिव शव को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं 9 पैरा के हवलदार कमांडो अब्दुल माजिद के पार्थिव शरीर को पूंछ में सेना के उच्च अधिकारियों ने अंतिम सलामी जो है वो दी है। लेकिन बहुत दुख होता है कि लगातार हमारे वीर जवान जो हैं कायर आतंकवादियों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और सबसे आगे खड़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मंजर है, किस तरीके से ये पूरा देश जो है वो नम आंखों से विदाई दे रहा है इन वीर जवानों को। राजौरी में 28 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुरंदात आतंकी कारी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। इस बीच मुठभेड़ में घायल एक अन्य जवान वीरवार को बलिदान हो गया। इस प्रकार मुठभेड़ में 2 कैप्टन समेत 5 जवानों ने बलिदान दिया। बुधवार को मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन सहित 4 बलिदान हो गए। इस इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जाहिर तौर पर बात है कि इतने बड़े पैमाने पर ये एनकाउंटर हुआ, जरूर कोशिश और प्रयास यही है कि बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं जो कहीं छुपे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आपको बता दें कि इसमें कारी लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ एक मुख्य आतंकी माना जा रहा था और संगठन के कमांडर रहे कारी को पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान दोनों मोर्चों पर जो है प्रेक्षक दिलाया गया था। वहीं आईडी एक्सपर्ट होने के साथ ही ये एक स्नाइपर भी था। इसे गुफा में छिपने तथा वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए महारत हासिल थी। वह पिछले 1 साल से ग्रुप के साथ राजौरी पुंज इलाके में सक्रिय था और ढांगरी तथा कंडी हमले में मास्टरमाइंड भी माना जा रहा था। इसे राजौरी पुंछ और आसपास के इलाकों में आतंकवादियों को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी देकर पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था। ढांगरी में नए साल के पहले दिन आतंकवादियों ने हमले में 7 नागरिकों की जो थी मौत हो गई थी। उस समय भी पूरे देश ने नम आंखों से जो था विदाई दी थी और नए साल की ही शुरुआत की अगर बात की जाए तो इस तरह से उसका आगाज हुआ था। और बुधवार को राजौरी जिले के कालाकोट के बाजीमल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तुरंत से ही उस पूरे इलाके की घेराबंदी की थी। जब जवान आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे तो घात लगाए आतंकवादियों ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती फायरिंग में मेजर और 2 कैप्टन हवलदार समेत 6 लोग घायल हो गए थे। बुधवार को ही 2 कैप्टन समेत 4 जवान बलिदान हो गए थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं LG मनोज सिन्हा की तरफ से भी नम आंखों से वीर जवानों को विदाई दी गई और मेजर समेत 2 जवानों का इलाज चल रहा था, लेकिन वीरवार को पैरा कमांडो ने भी दम तोड़ दिया। इस प्रकार इस ऑपरेशन में 5 जवान बलिदान हो गए। इससे पहले वीरवार को दोबारा 8
बजे घिरे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए दोबारा ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए किस तरीके से नम आंखों से विदाई दी जा रही है। जय हिंद जरूर लिखे और आप भी सल्यूट करें वीर जवानों को।